चार नैन बसेरे हैं, एक हमारा घंटाघर पे है, एक जो है चूना भट्टा रायपुर रोड पे है, और एक जो है पटेल नगर पे है हमारा, और एक ट्रांसपोर्ट नगर में। नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन है, इसके अंतर्गत एक कंपोनेंट है कि जो हमारे शहरी क्षेत्रों में जो लोग होमलेस लोग हैं, उनके पास घर नहीं है और वो खुले में सोते हैं, उनके लिए शेल्टर्स बनाने की योजना सरकार की है। नमस्कार, ये देहरादून शहर है। देहरादून यानी उत्तराखंड राज्य की राजधानी। शहर में क्या कुछ नया हो रहा है, यहाँ हम आपको बता रहे हैं। वैसे भी देहरादून सैलानियों के लिए सुकून भरा शहर है, वर्ष भर यहाँ सैलानियों का तांता लगा रहता है। सरकार भी सैलानियों के लिए उचित सुविधा करने में पीछे नहीं रहती। आप इस शहर की चकाचौंध में कहीं भी और किसी भी सड़क पर बेघर लोगों को नहीं देख रहे होंगे, इसकी खास वजह है। जी हाँ, सैलानियों की तरह ही देहरादून बेघरों के लिए शांत और सुरक्षित है। वर्तमान में इस शहर में लगभग 1000 लोग बेघर हैं। इसीलिए सरकार ने भी इन लोगों के लिए एक सुरक्षित छत की व्यवस्था की है। देहरादून को समझने के लिए रायपुर रोड, सहारनपुर रोड, चक्राता रोड, राजपुर रोड और इसी रोड को जानना बहुत जरूरी है। छत विहीन लोग किसी समय रायपुर रोड और सहारनपुर रोड पर दिखाई देते थे, जो अब नहीं दिखते, वजह साफ है। शहर के तीन मुख्य स्थानों पर क्रमशः रायपुर रोड स्थित चुंगी के पास, ट्रांसपोर्ट नगर में और पटेल नगर में लाल पुल के पास 50 से लेकर 100 बिस्तरों वाले शेल्टर शहरी विकास विभाग व नगर निगम के संयुक्त प्रयासों से बनाए गए हैं। इसके अलावा घंटाघर के नजदीक स्थित चुक्खू मोहल्ला में दून शेल्टर सोसाइटी फॉर द होमलेस संस्था ने भी 100 बिस्तरों वाला शेल्टर स्थापित किया है, जहां की छत विहीन लोग सुकून की रातें गुजार रहे हैं। आप देख रहे हैं, सायंकाल को ठीक समय पर ये लोग अपने अपने ठौर पर आ रहे हैं और जाते हैं। देहरादून में इन्हीं जगहों पर बेघर लोगों की संख्या अधिक दिखाई देती है, किंतु शहर को व्यवस्थित करने के लिए शहरी विकास विभाग ने एक नायाब तरीका ढूंढ निकाला है। परेड ग्राउंड और ISBT के पास अभी जो बेघर परिवार दिख रहे हैं, वे भी कुछ ही दिनों में छत के नीचे आ जाएंगे। 36 आदमी रहते हैं, नाम मेरा सुंदर है, मजदूर आदमी निगम से। इनके लिए मोबाइल बस यानी एक ऐसी बस जिसे घर की तरह सुशोभित किया जा रहा है की व्यवस्था की जा रही है। इस बस के साथ एक मोबाइल शौचालय भी रहेगा। जी हाँ, इस तरह से बेघर लोगों की सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं। यहाँ आप देख रहे हैं ये सुंदर इमारत, साफ सुथरे बिस्तर, विद्युत की चाक चौबंद व्यवस्था, व्यवस्थित व स्वच्छता के प्रति शौचालय, बेड, लॉकर इत्यादि। ये वही योजना है जिसके मार्फत होमलेस सेंटर की कल्पना साकार हो रही है। यहाँ
अलग अलग स्थानों पर लगभग 1000 लोग एक छत के नीचे आराम से जीवन यापन कर रहे हैं। दिन भर वे दिहाड़ी मजदूरी करके थक हार कर यहाँ आते हैं और चैन की नींद सो जाते हैं। जो हमारा घंटाघर वाला है उसमें हम 5 रुपये प्रति व्यक्ति लेते हैं और 5 रुपये के साथ साथ उसको नहाने की सुविधा भी देते हैं, उसको बिस्तर भी देते हैं और सर्दियों में वहाँ अलाव की भी व्यवस्था करते हैं। वो निःशुल्क है, उसमें कोई शुल्क नहीं लिया जाता, लेकिन आईडी जो है सभी में दी जाती है। ऐसी चूना भट्टे में भी है, चूना भट्टे में कम लोग आते हैं लेकिन वहाँ भी आते हैं लोग। और जो हमारा पटेल नगर वाला है उसमें भी 100 से 100 कभी 100 कभी 150 कभी जो है 60-70। और जो हमारा पटेल नगर वाला जो रैन बसेरा है वो बहुत अच्छा बना हुआ है। ऐसी ट्रांसपोर्ट नगर में भी है, ट्रांसपोर्ट नगर में जो हमारे ट्रांसपोर्टर हैं जो बाहर से गाड़ियाँ आती हैं उसमें अधिकतर लोग तो उस रैन बसेरे का सही है। शहर में तेजी से निर्माण कार्यों में बढ़ोतरी हुई है, हर तरह के लोग यहाँ आकर बसने लगे हैं। बिल्कुल, देश भर के शहरों में बेघरों के लिए अस्थाई और स्थाई शेल्टर सरकार द्वारा बनाए गए। यहाँ भी शहर का विकास तेजी से होने की वजह से शहरी विकास विभाग व नगर निगम ने बेघरों के लिए छत की आवश्यकता महसूस की है। हमारा जो नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन है इसके अंतर्गत एक कंपोनेंट है कि जो हमारे शहरी क्षेत्रों में जो लोग होमलेस लोग हैं, जैसे कि जो लोग रेलवे स्टेशन के आसपास और बस स्टेशन के आसपास या शहर में कहीं अन्य जगहों में भी उनके पास घर नहीं है और वो लोग खुले में सोते हैं, उनके लिए शेल्टर्स बनाने की योजना सरकार की है, जिसमें कई हमारे नगर पालिका क्षेत्रों में जो सर्वे किए गए थे उसके आधार पर जगह जगह पर उनके लिए आवास बनाए जा रहे हैं जिसमें हम लोग रात में रुक सकते हैं। इसके अलावा जो है हम लोग कुछ बड़े नगर निकायों में जैसे कि हरिद्वार है, देहरादून में है, वहाँ पे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कुछ मोबाइल बसेस में भी शेल्टर होम बनाने की एक योजना कर रहे हैं, जिसमें परिवहन निगम की जो पुरानी निष्क्रिय जो बसें हैं उनको लेकर के उनको ठीक करके उनको अर्बन होमलेस के लिए उसमें आवास बनाने की हमारी योजना है। इस शेल्टर में वे लोग आते हैं जिन्हें छत नसीब नहीं है, यहाँ उनके अपने अपने बेड व बिस्तर हैं, स्नानागार व स्वच्छ शौचालय, स्वच्छ पेयजल की पुख्ता व्यवस्था की गई है। सुरक्षा के लिहाज से संपूर्ण शेल्टर सीसीटीवी कैमरे की नजर में है। जी हाँ, शहर में इस तरह के शेल्टर के होने से असामाजिक तत्वों पर स्वतः ही रोक लग गई है, इसलिए शहर में अन्य शेल्टर बनाने की कवायद भी आरंभ हो चुकी है। कभी ISBT के बाहर रसपना पुल, बंदाल पुल, परेड ग्राउंड, रेलवे स्टेशन के बाहर पटेल नगर, लालपुर, रायपुर रोड, चूना भट्टा, प्रिंस चौक आदि जगहों पर खुले में सोने वालों की संख्या बहुत अधिक दिखाई देती थी, जो अब बहुत ही कम हो गई है। निश्चित ही शहरी विकास विभाग और नगर निगम का यह संयुक्त प्रयास बहुत ही सार्थक है।